नमस्कार, शिवशाही मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, ही पाहत आहात आपण सध्या सिल्लोड या तालुक्यामध्ये आहोत. आणि सिल्लोड तालुक्याची खासियत म्हणजे इथे एक मस्जिद आहे आणि त्यासमोर छत्रपती शिवरायांचा अश्वरूढ असा पुतळा आहे. आणि हा पुतळा आणि ही मस्जिद सिल्लोड या ठिकाणी एकतेचं प्रतीक आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. आणि याच सिल्लोड या ठिकाणी अब्दुल सत्तार मागच्या 15 वर्षापासून सत्तेमध्ये आहेत. आणि या सिल्लोड या ठिकाणचाच आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये काही आढावा घेणार आहोत. इथल्या लोकांच्या, जनतेच्या, गावकरी लोकांच्या काय भावना आहेत ते आपल्याला आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. टप इतना भारी रहेगा टप ये साल 24 का के आमदार अब्दुल सत्तार 50,000 की लीड से आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने विकास बहुत करे ना. आजकल क्या है, विकास देख रहे लोग, ये जातिवाद हमारे सिल्लोड में, सोएगांव तालुके में जातिवाद कोई भी नहीं है, पहले से ही नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा. क्योंकि आमदार अब्दुल सत्तार साहब सब हिंदू मुस्लिम हर जात के धर्म को लेके चलने वाले आमदार अब्दुल सत्तार साहब है. और विकास इतना करे, इतना करे, क्या तुमको कोई दिख जाएगा कि विकास कितना है? विरोधक बोल रहे हैं कि 15 साल में क्या किया है, सिल्लोड को पीछे डाल दिया, ऐसा विरोधक बोल रहे हैं. विरोधी वाले तो बोलने वाले ना कि उन्होंने तो कुछ इतनी काम करे ना, पब्लिक देख रहे ना आमदार अब्दुल सत्तार साहब का काम, विकास कितना करे. 25,000 करोड़ सिल्लोड सोएगांव को मंजूरी लाया आमदार अब्दुल सत्तार साहब ने. आप विरोधी पक्ष तो बोलने वाले हैं ना कि उन्होंने नहीं करे, उन्होंने हाँ करे. तो आपको कुछ समझ रहा है और हमारी पब्लिक को कुछ समझ रहा है कि आमदार अब्दुल सत्तार साहब ने बहुत अच्छा काम करे और करते रहेंगे, क्योंकि 16-17 घंटे आमदार अब्दुल सत्तार साहब फिरते. काय के लिए फिरते? पब्लिक के लिए फिरते, विकास के लिए फिरते. उनको सभी कम्युनिटी से वोटिंग मिल जाएगी, हिंदू मुस्लिम बहुजन, क्या बोलेंगे? सबसे मिलेंगी, हिंदू मुस्लिम बहुजन. मुस्लिम लोग भी उनके साथ है, हिंदू लोग भी उनके भाई लोग उनके साथ है, सब उनकी हर जात उनके साथ है. क्या ताकत है उनकी, क्या पावर है मतदान सर में? बहुत ताकत है आमदार अब्दुल सत्तार साहब की. ताकत ये है कि विकास की ताकत है, उन्होंने विकास बहुत करे सिल्लोड सोएगांव में, उनकी विकास की ताकत है. और हर आदमी को, हर धर्म के लोगों को चाहते वो लोग, उसके वजह से उनकी ताकत है. पानी है खड़कपुरना का पानी लाया उन्हें. उन्होंने सिल्लोड में कुछ भी नहीं था, जब से आमदार अब्दुल सत्तार साहब बने सिल्लोड में 25-40 साल से सिल्लोड में, सिल्लोड सोएगांव में कोई कमती नहीं है. पानी है, रोड है, डेरिस लाइन है, और पानी, नल, सब लाइट, कोई टेंशन नहीं. क्योंकि हर बस्ती जो अभी नवी बनी बस्ती, वहाँ पर भी आमदार अब्दुल सत्तार ने सोया करे, लाइट करे, वहाँ पर नाली करे, रोड करे. आमदार अब्दुल सत्तार साहब काम करने वाले मानुस है, महाराष्ट्र के हीरो नंबर आदमी, वो हीरा बोले जाता है आमदार अब्दुल सत्तार साहब को. मंत्री अरे क्यों नहीं बनेंगे हमारे आमदार अब्दुल सत्तार साहब है क्या? 20 साल से मंत्री बनेंगे ना, अभी क्यों नहीं मंत्री बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे भाई? हमारा आमदार अब्दुल सत्तार पावरफुल आदमी है, काम करने वाला आदमी है, सबको लेके चलने वाला आदमी है. और इतनी लीड से आएगा हमारे अब्दुल सत्तार साहब, 50,000 लीड से आएगी. अब्दुल सत्तार साहब ने उद्धव ठाकरे के साथ थे पहले, अभी शिंदे साहब के साथ थे, उनका ये जो डिसीजन है, निर्णय है, वो अच्छा है? आपको क्या लगता है उन्होंने जो डिसीजन लिया है उद्धव साहब को छोड़ के इधर जाने का? देखो, हमारे अब्दुल सत्तार साहब जो डिसीजन लेते हैं, जिधर काम नहीं होता उधर से वो दूसरी पार्टी में काम करते. क्यों करते हैं? क्या जिधर हमारा विकास रहेगा, हमारे सिल्लोड सोएगांव का काम होगा, तो उनके तरफ से वो काम करते, उनसे योजना लाते. तुम्हारे इधर से ये पार्टी से नई योजना मिला तो दूसरी पार्टी से अपन योजना लाते काम के लिए. वो उसके वजह से आमदार अब्दुल सत्तार साहब काम के लिए इधर उधर भागते हैं. उनका कोई पार्टी गिल्टी से ऐसा नहीं, जिधर काम आमदार अब्दुल सत्तार साहब का होगा उधर वो काम करते. कितने लीड से आएंगे कुछ बोल सकते हैं? 50,000 लीड से आएंगे हमारे आमदार अब्दुल सत्तार साहब. लाड़की बहन योजना ये शिंदे सरकार ने लाई है, इसका कुछ बेनिफिट होगा? अरे कैसा नहीं हुआ लाड़की बहन योजना, क्योंकि 2-3 महीने में आमदार अब्दुल सत्तार साहब ने 7,500 रुपये लाड़की बहन को दिए, और बर्तन दिए, संदूक दिए, और ये सरावान जो बाढ़ है, जो महीने के पैसे मिलते, जो एक बेटा पैसे देता, दो तीन जने रहते वो पैसे देते, तो वो
सरवान बाहर के लोगों को काम आते हैं भाई, आपको वो भी करे अंदर अब्दुल सत्तार साहब ने, अंदर अब्दुल सत्तार साहब ने बहुत काम करे हुए यहाँ पर। लोग बोलते हैं बहना को पैसे दिए लेकिन खेती के भाव कम कर दिए, कपास सोयाबीन उनका भाव क्या, ऐसा कुछ बोलते क्या बोले इसके बारे में? अब देखो जैसा टाइम आया वैसा सरकार करते हैं, आमदार अब्दुल सत्तार साहब की उसकी कोई गलती नहीं है, विरोधी पक्ष कम ज़्यादा भाव होते रहता है उसका कोई टेंशन नहीं है, आमदार अब्दुल सत्तार साहब के जो है कामा वो जाहिर रही हैं, हमेशा जाहिर रही हैं। मैं दो बातें ख़त्म करता हूँ, जय हिंद जय महाराष्ट्र। अभी क्या लगता है इस बार कुछ चेंजेस होगा, बदलाव होगा या टप जाएगा, क्या लगता है? नहीं नहीं नहीं, बदलाव का तो सवाल ही नहीं आता। क्यों बदलाव नहीं होगा और ऐसे क्या रीज़न है कि फिर से अब्दुल सत्तार यहाँ पे चुनकर आ सकते हैं? सिल्लोड शहर का आज से 25 साल पहले का सिल्लोड शहर देखो और आज का देखो, सिल्लोड शहर का विकास तो हुआ, उसके साथ साथ जो है तो आमदार साहब नगर अध्यक्ष थे तो सिल्लोड शहर का विकास हुआ। शहर के बाद जब वो आमदार बनने के बाद जो है तो उन्होंने तालुके में भी जो विकास करे, पानी की समस्या, रोड की समस्या, 8-8 दिन वहाँ पर लाइन पानी की इसकी उसकी समस्या रहती थी, आमदार साहब ने पानी का मसला हल करे, लाइन का मसला हल करे, रोडों का मसला हल करे, नालियाँ और हर खेड़े वाड़ी बस्ती में जो बाजू के जो तालुके वो तालुके के अंदर जो है तो बावड़िया का इसका उसका जो मंजूरी के जो लोगों को नहीं मिलना था, हमारे ग्रामीण में हर एक आदमी को कम से कम हर शेतकरी को बावड़ी की जो समस्या थी वो बावड़ी दिए आमदार साहब ने। और दूसरे और भी जो योजना रहती और दूसरे और क्या काम है, मतलब और जात पात को छोड़ के हम बात करेंगे क्योंकि बाकी अभी ऊपर अगर देखेंगे तो जात पात के ऊपर राजकारण चलता है, पॉलिटिक्स चलती, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में आमदार साहब ने जो है तो जात पात का राजकारण नहीं करे यहाँ पर, इसीलिए उनकी सक्सेस की सबसे बड़ी वजह जो है तो वो सब धर्म को साथ में लेके चलने वाले मंत्री है। और लाड़की बहन योजना का कुछ फायदा होगा अभी इस इलेक्शन में, लोग मतलब मिले ना पैसे पहुंचाने? महाराष्ट्र में फायदा होगा, हमारे सिल्लोड़ की बात नहीं, वो तो महाराष्ट्र की स्कीम है, महाराष्ट्र में जहाँ भी एकनाथ शिंदे के लोग खड़े हुए सबको फायदा होगा उसका। अपने पास और भी कुछ नहीं बोला मेरे पूरा बात ये हमारे ये भी है ना पहले रहा हूँ।